खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने भी समर्थन दे दिया है। जिला मुख्यालय पर बीकेयू का प्रदर्शन होगा। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में प्रदर्शन होगा। डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे किसान। घेराव के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। दिल्ली कूच भी कर सकते हैं। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त पंजाब के किसान डटे हुए हैं। एमएसपी पर कमेटी नहीं, अब कानून की मांग कर रहे हैं। चौथे दौर की वार्ता हुई लेकिन वो वार्ता भी बेनतीजा रही। तेही इस मसले हैं जिन पर किसानों की तरफ से मांग की जा रही है एमएसपी लागू हो, लेकिन अब ये लोग कमेटी नहीं, ये चाहते हैं कि कानून ही बने। असल में सरकार की नीयत पे खोट है। आंदोलन रोड पे नहीं होता। जेसीबी, हाइड्रोलिक क्रेन, बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आज दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शनकारियों के इरादे क्या हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार की कोशिश पिछली कोशिश से कितनी अलग और आक्रामक है। सरकार से चार दौर की बातचीत के बावजूद भी हल नहीं निकलने के बाद प्रदर्शनकारी फिर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। बॉर्डर पर बने अभेद्य किले को भेदने के लिए प्रदर्शनकारी इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुंच गए हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है। इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर आंसू गैस के गोलों का भी असर ना हो। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शंभू बॉर्डर पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने भी शंभू बॉर्डर पर हजारों प्रदर्शनकारियों के जुटने पर चिंता जाहिर की है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर करीब 14,000 प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कारें और 10 मिनी बसों के साथ साथ छोटे वाहन बॉर्डर पर खड़े हैं, जिस पर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से एक्शन लेने को कहा है। उधर किसान नेता किसी भी हाल में समझौता करते नहीं दिख रहे। उन्होंने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है, जिसमें एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून लाया जाए, वहीं किसानों का कर्ज माफ किया जाए। साथ ही विपक्ष से भी अपना रुख साफ करने को कहा है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है, ऐसे में अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम आज भी आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से, आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण जो हल है वो करने के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की अनाउंसमेंट कीजिए। पर दुख की बात है कि केंद्र हमारी सुन नहीं रहा। अगर वो सुन लेते तो इसका पीसफुली हल हो सकता था। उधर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी अलर्ट पर है। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के गार्डर, कंटीले तार बिछाकर 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। इसी से पुलिस ने 8 दिन से प्रदर्शनकारियों को रोके रखा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार किसान नेताओं को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों को बातचीत से मसला हल करने को कहा है। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाए और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस समाचार, उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। पर ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। किसानों को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर उनकी सरकार आने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात कही।